दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ओला कंपनी की ही ईवी क्यों ली। मार्केट में तो इतने सारे ईवी के ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे एथर, टीवीएस, बजाज, तो फिर मैंने ओला की ही क्यों ली। मैंने ऐसा क्या देखा ओला में जो मुझे इन सब कंपनियों की ईवीज में नहीं दिखा। तो पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि मैंने ओला क्यों ली। उसके बारे में मैंने जो टीवीएस, बजाज, एथर और ओला चारों के कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन लिख लिए हैं सब चिट्ठी पे, तो उन सब के स्पेसिफिकेशन को हम कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए कौन सी ईवी इनमें से लेनी बेस्ट रहेगी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। ओके, प्राइस सेम रखे और उनके सबके स्पेसिफिकेशन मैंने लिख लिए, तो उनके हिसाब से हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी वैल्यू फॉर मनी रहेगी बाय करने के लिए और कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेगी, सब हम डिस्कस करेंगे आगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ओला क्यों ली, मैंने इन सब में से ओला ही क्यों चूज़ की। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो। और मैंने एक नया चैनल भी अपना शुरू किया है यूनिक वीडियोज़ करके, उस चैनल पर मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं, तो अगर आपको जानना ज़रूरी है तो आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा उस चैनल की, ओके, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बिना देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैंने ओला ही क्यों ली। ओके, सो ओला लेने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च की, अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट पर जाके देखा कि क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने रुपये पर है, क्या क्या सब ऐसे जान लिया मैंने। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ओला ही एक ऐसी कंपनी है जो हमें वैल्यू फॉर मनी ईवी प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में। मैंने अलग अलग जाके देखा, जैसे सबसे पहले मैं गया बजाज के चेतक पर। सबसे पहले तो मुझे उसका लुक पसंद नहीं था, फिर भी सोचा कि एक बार देख ली इसकी क्या है स्पेसिफिकेशन वगैरह। तो मैंने देखा तो पहले मुझे उसमें उस ईवी की प्राइस ही नहीं दिखी उनके वेबसाइट पर, उन्होंने बस फीचर ही दिखाए है वेबसाइट पर, और वो फीचर भी ऐसे है जो कि कोई काम के नहीं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील की बॉडी, पूरी मेटल बॉडी, और उनके मतलब पसंद ही नहीं आई थी मुझे बजाज की चेतक। पहली बात तो उनकी वेबसाइट उन्होंने सही नहीं बनाई, और दूसरी बात कि उनका जो लुक है वो भी एकदम पुराने जैसा है, जो कि मॉडर्न बच्चों का भी नहीं पसंद आता। जो मतलब वो ईवी एक ऐसी है जो सिर्फ ब्रांड वैल्यू पर बिकती है, उसमें ईवी में कुछ ऐसा खास है नहीं, बस बजाज की है तो ऐसी बिक जाती है। तो मुझे बजाज की तो लेनी नहीं थी, और उनके एक तो रेंज भी बहुत कम है और स्पीड भी बहुत कम है, और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे उस ईवी में ये लगी कि उसको चार्जिंग करने के लिए हमें डिक्की खोलनी पड़ती है, और डिक्की खोलने के बाद ही डिक्की खोलने के बाद ही हम उसको चार्जिंग पर लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी मुझे दिक्कत लगी उसमें, और उसका जो डिस्प्ले है वो भी मुझे सही नहीं लगा इतना कुछ अच्छा, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसके बाद में गया TVS की वेबसाइट पर, TVS iQube सोचा वो ले लूँ, पर उसमें भी सेम उस वेबसाइट पर कहीं पर भी प्राइस मेंशन नहीं की गई थी। तो एक तो ये उसका डाउन पॉइंट लगा मुझे कि ऐसा क्यों करते हो, प्राइस तो पहले मेंशन करो। हाँ, अब तुम इतने ज़्यादा प्राइस रख रहे हो, फिर भी बताओ तो सही कि इतने की है। और उसके फीचर भी मुझे कुछ इतने खास नहीं लगे, मतलब वो भी बस TVS करके ऐसे वो बेच रहे हैं, उनके कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं और कुछ वैल्यू फॉर मनी भी नहीं लगी, बहुत कम रेंज मिलती है हमें उसमें भी, और इतने सारे पैसे दे के इतनी कम रेंज मिलना, और चार्जिंग भी उसकी इतना कोई फास्ट नहीं, स्लो ही है। तो उसके हिसाब से वो भी TVS के iQube भी मुझे कुछ पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने वो भी लेने का नहीं सोचा। उसके बाद टफ कंपेरिजन था एथर और ओला का, क्योंकि ये दो ही ऐसे ब्रांड है जो एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न साइंस को पकड़ के चल रहे, मतलब मॉडर्न चीज़ों को पकड़ के चल रहे हैं अभी भी, इसलिए ये टिके हुए हैं अभी भी। तो उसके बाद जो पहले बाकी के ब्रांड है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इन्फिनिटी की, और उसके बाद जॉय की तो मेरे पास थी और जॉय की अभी लेनी भी नहीं है मुझे, उसका रीज़न मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। और इन्फिनिटी की वो मतलब तब इतने आए नहीं थी, किसी ने लिया नहीं था, उसके रिव्यू अच्छे नहीं थे, तो इसलिए वो तो मतलब बाकी के जितने भी ब्रांड्स हैं आप समझ लीजिए, बाकी सब वो सब ऐसे नॉर्मल है, बस टॉप के ये दो ही ब्रांड है एथर और ओला। उसमें से भी एथर जो है इंडियन कंपनी है, उन्होंने 2013 से या 2011 से
काम करना शुरू कर दिया था ईवी पर। उन्होंने बैटरी खुद डेवलप की है, वैसे कि ओला ने खुद डेवलप नहीं की, उन्होंने उधर से कंपनी बाय की, तो उसमें वही उधर का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इधर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एथर ने पूरा रिसर्च करके पूरी इधर इंडिया में बैटरी बनाई है। ओके हाँ, ओला अभी अभी बना रही है बैटरी, लेकिन फिर भी तब की मैं बात करूँ, जब मैंने ओला ली थी अब से चार महीने पहले। ओके सो ओला और एथर ये दो ही ऐसे ब्रांड थे जो जिनका बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन उसमें भी एथर थोड़ा नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उनके प्राइस की वजह से, उनका प्राइस ओला के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। ओके तब 450S नहीं आई थी, बस 450X ही आई थी मुझे ऐसा लगता है, उनकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो जो 450X थी वो 140,000 160,000 के करीब जा रही थी तब। अभी अभी उनकी प्राइस थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन तब मैंने जब रिसर्च किया था तब 150,000 के ऊपर ही थी, और तब ओला 130,000 में दे रही थी ओला S1 प्रो फर्स्ट जनरेशन, उसकी सेकंड जनरेशन भी आ गई थी तब तक तो। सो और रेंज भी उसकी कम है, लेकिन हाँ मतलब पावर उसकी ओला से ज़्यादा है, लेकिन मैंने उन दोनों का कंपैरिजन किया और मुझे ओला ही मतलब वैल्यू फॉर मनी लगी बेसिकली। और तब वो की वाला वेरियंट भी आ गया था, तो फिर सॉफ्टवेयर का ग्लिच का कोई प्रॉब्लम ही नहीं बीच में, अभी तक भी 4 महीने हो गए मेरी ईवी को और अभी तक भी बीच में एक बार भी बंद नहीं हुई। जो होता है ना कि किसी का पासवर्ड नहीं लग रहा, किसी का सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, रिस्टार्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। की वाले वेरियंट में डायरेक्ट चाबी लगाओ और निकल जाओ, तो ये बहुत ही अच्छा है। और फंक्शन भी आपको मतलब फीचर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, 90 km/h की टॉप स्पीड हमको मिल जाती है, बहुत ही अच्छे हो। तो ऐसा करके मैंने जो ओला ही ली, क्योंकि इतने सारे बाकी के ब्रांड उस ओला को कम्पीट नहीं कर रहे थे तब, अभी भी शायद कुछ नहीं कर रहे, तो तब मैंने ओला ही ली। और सो ये था मेरा ओला लेने का रीज़न जो मैंने आपको अभी बता दिया। सो अभी हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन सी ईवी की कंपनी आपको कम प्राइस में अच्छे फीचर दे रही है, अच्छा वैल्यू फॉर मनी ईवी प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने इधर देखा कि 1, 2, 3 और 4 चारों जो कंपनियां हैं उन सब के जो 1,15,000 के रेंज में जो आते हैं ईवी, उन सब के मैंने स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिख लिए हैं। और सबसे पहले बता देता हूँ आपको प्राइस। ओके तो ये जो ओला है, ये ओला की S1 प्रो सेकंड जनरेशन मिल रही है हमको 1,20,000 में। ओके तो 1,20,000 सबसे सस्ती यही है, नहीं ये नहीं है, 1,20,000 की तो थोड़ी महंगी है। उसके बाद है एथर की 450S 1,15,599, बजाज की चेतक 1,15,000 और TVS के iQube 1,26,000 की। और ये सब मैंने ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, तो इसमें अगर हम RTO रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस अगर पकड़ ले तो 10,000 हम इसकी पूरी कॉस्ट पकड़ ले तो 1,26,000, तो 1,36,000 में जाएंगी TVS की iQube, बजाज की चेतक 1,25,000 में जाएगी, एथर भी 1,25,000 में, और ओला जाएगी 1,30,000 में। तो ये सब के कॉस्ट, ये सब मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, तो आप इसमें बाद में 10,000 प्लस कर लेना। ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजाज की चेतक की। तो इसका बजाज चेतक का मैंने लिया है 3202 3202, ये मॉडल नंबर लिया है मैंने। तो इसमें हमको रेंज देखने को मिल जाती है 137 km की, और ट्रू रेंज जिसको हम कहते हैं IDC रेंज, तो वो मिलती है हमको 126 km की। तो 1,15,000 देने के बाद 126 km की रेंज मिलती है, और स्पीड मिलती है सिर्फ 73 km/h, और उसके साथ LED डिस्प्ले वही नॉर्मल वाला, बिना टच स्क्रीन नहीं है उसमें। ओके और चार्जिंग टाइम हमें इसमें मिल जाता है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में ये फुल चार्ज होती है आई थिंक, ये 4.5 घंटे में हाँ फुल चार्ज ही होती है। ओके सो ये है बजाज चेतक का, बस इतने ही स्पेसिफिकेशन मुझे मिले हैं उनकी वेबसाइट पर, और बाकी का तो मेटल बॉडी और कनेक्टिविटी कुछ है ही नहीं उसमें, बस वो ऐसे ही बेच रहे ये भी, पता नहीं उन्होंने वेबसाइट भी अच्छे से डेवलप नहीं की, इतनी मतलब अच्छे से डिज़ाइन नहीं की है वेबसाइट भी उन्होंने। तो बजाज चेतक किन को लेना चाहिए, जिनको मतलब
ऐसा लगता है कि बजाज बजाज जो मतलब पुराने 40 साल के ऊपर के, जिनको बस ब्रांड वैल्यू के ऊपर लेना है तो वो ही ले सकते। और अगर आपको लगता है कि बजाज लेंगे तो उसमें मेटल बॉडी है तो अच्छा टिकेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी, एक्टिवा ले आप, प्लेजर ले, तो मतलब सेम ही है, मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं। ओके, तो बजाज लेने का कुछ यहाँ पर मतलब बनता ही नहीं, तो उसको हम साइड में ही कर देते। उसके बाद बढ़ते हैं TVS iQube, या फिर चलो पहले एथर ले लेते। एथर की 450S मॉडल आया है, 1,15,000 का, 1,15,500 का। उसमें हमको रेंज मिल जाती है 1 लाख सॉरी उसमें हमको रेंज मिल जाती है 115 किलोमीटर की, और ये IDC रेंज है। ओके, तो हम इसको ट्रू रेंज भी कह सकते हैं। और नहीं, उन्होंने ट्रू रेंज अलग से वेबसाइट पर मेंशन किया है। ट्रू रेंज है 90 किलोमीटर की और IDC रेंज है 115 किलोमीटर की। टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और चार्जिंग टाइम है 8.5 घंटे। ओके, तो 8.5 घंटे चार्जिंग करने के बाद 90 किलोमीटर की रेंज मिलती है हमको। और कंपेयर करें ओला से, तो ओला में सिर्फ 6.5 घंटे चार्ज करने के बाद 195 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और अगर ट्रू रेंज पकड़ ले तो 180 किलोमीटर की, तो मतलब डबल का डिफरेंस है। ओके, और बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो एथर में हमें मिलता है 22 लीटर का बूट स्पेस, और TVS iQube में हमें मिलता है 32 लीटर का बूट स्पेस, और ओला में मिलता है सबसे ज़्यादा 34 लीटर का बूट स्पेस। तो स्पेस के मामले में ओला जीतती है, रेंज के मामले में भी ओला, क्योंकि 195 किलोमीटर की ARAI रेंज मिलती है हमें, और अगर ट्रू रेंज पकड़े तो 180 किलोमीटर की रेंज, जो कि TVS iQube हमें देती है सिर्फ 100 किलोमीटर की रेंज। चेतक देती है 126 और एथर देती है 115। तो तीनों में रेंज के मामले में ओला इज़ द बेस्ट। स्पीड के मामले में ओला देती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, एथर देती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और iQube देती है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, और बजाज उससे भी कम 73। तो स्पीड के मामले में ओला एकदम बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छी स्पीड देती है। उसके बाद चार्जिंग टाइम सबसे कम देखने को मिला है बजाज चेतक का, क्योंकि उसमें बैटरी भी कम है इसलिए। तो चार्जिंग इफिशियंसी की अगर हम बात करें कि मतलब कितना टाइम चार्ज करने के बाद ज़्यादा कौन रेंज देता है, तो उसमें भी ओला ही पहले नंबर पर आती है। उसके बाद पावर की बात करें तो पावर सबसे ज़्यादा हमें मिलती है यहाँ पर एथर और ओला दोनों में, हमें लगभग लगभग सेम ही पावर मिलती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं एथर की 450S जो सिलेक्ट मॉडल मैंने लिया है यहाँ पर, उसमें अगर हम बात करें तो उसकी पावर हमें कम है ओला के कंपैरिजन में, क्योंकि ओला यहाँ पर उसी प्राइस रेंज में एक 11 किलोवाट की हमको मोटर की पावर देता है। ओके, और 1,20,000 में ओला की S1 Pro सेकंड जनरेशन अभी हमें मिल रही है, और सबसे टॉप मॉडल, और एथर की उसी प्राइस रेंज में हमें 450S वाला मॉडल मिल रहा है। तो इसकी वजह से ओला इज़ द यहाँ पर सब स्पीड, रेंज, चार्जिंग टाइम, पावर, बूट स्पेस, ट्रू रेंज और चार्जिंग की स्पीड और प्राइस, सब के मामले में यहाँ पर हमें ओला ही पहले नंबर पर मिलती है, और बाकी के सब स्कूटर कहीं ना कहीं नीचे आ जाते रैंकिंग में। ओके, तो तब मैंने ली थी, तब भी ओला नंबर वन पे थी और अब भी ओला नंबर वन पर ही। लेकिन नंबर वन होने के बाद भी बहुत सारे लोग ओला नहीं लेते, बहुत सारे लोग TVS की तरफ जा रहे हैं अभी, और बजाज की तरफ तो बहुत कम लोग हैं, और एथर की तरफ भी मतलब प्रीमियम रेंज वाली ही है, जिनको ऑफिस का वर्क है वही सब वही ओला ले रहे हैं, नहीं सॉरी वही एथर ले रहे हैं, और TVS iQube बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो उनको लगता है कि TVS इंडियन कंपनी है, तो कुछ पार्ट खराब हो गए तो उनका मिल ही जाएगा इधर, तो ऐसा एक भरोसा बैठा हुआ है तब से। तो अभी तक वो TVS के ब्रांडिंग पर ही उनकी EVs बिक रही है। मैंने उनका वेबसाइट पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, बनाने वाला हूँ, बजाज चेतक नहीं, बजाज और TVS के जो वेबसाइट है उनके ऊपर। इतनी घटिया वेबसाइट है दोनों कंपनियों की कि आपको क्या ही बताऊँ। मतलब प्राइस भी मेंशन नहीं की गई है उनकी वेबसाइट के ऊपर, आज दिखी मुझे बजाज के वेबसाइट के ऊपर दिखी, तब मैं देख रहा था तो प्राइस दिखी नहीं रही थी,
वेबसाइट के ऊपर, और स्पेशली वेबसाइट का डिज़ाइन भी अच्छा नहीं किया गया है, और मतलब आप क्या ही बोले उनके ऊपर, मैं अलग से वीडियो में ही बात करूँगा। और सो बस आज के वीडियो में इतना ही मुझे कहना था कि मैंने ओला क्यों कैसे ली, मतलब क्या क्या मैंने देखा ओला लेते समय या फिर एक ईवी लेते समय। और आपको अभी ये भी दिखा दिया स्पेसिफिकेशन के मामले में कि कौन सी ईवी बेस्ट है, उसके बाद कौन सी ईवी लेना है ये तो आपकी चॉइस है। मैंने बस आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे जो मैंने अभी देखे वेबसाइट पर, और आप और कोई भी वीडियोस देख सकते हो अगर रेफरेंस के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद हर कंपनियों के शोरूम पर जाकर एक टेस्ट राइड लो, और आपको जो अच्छी लगे स्पेसिफिकेशन के मामले में और राइडिंग के मामले में आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। और वारंटी के मामले में भी ओला सबसे पहले नंबर पर आ जाती है, क्योंकि ओला के साथ हमें मिलती है 8 साल की वारंटी, 8 ईयर्स की वारंटी बैटरी के ऊपर। ओके, तो इसमें भी ओला हमें पहले नंबर पर आती हुई देखने को मिलती है। सो बस यही कहना था मुझे आज के इस वीडियो में, और आगे जो वीडियो आने वाले वीडियो से उसमें हम जॉय की ई बाइक के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ओके, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उनके ऊपर मैं अब वीडियोस बनाऊंगा। और तो फिर बस आज के वीडियो में इतनी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।